तमाम प्यार करने वालों को और जहां जहां तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है जुनेद इकबाल की जानब से इंतहाई मोहब्बत के साथ असलम एक बार फिर नादरीन आपको पुनूर सुबह में सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ और आइए बिला तो चलें हजरत अब मोहम्मद बरकत रहमा की तारीफ असमान नबील करीम सल्ला वसलम से रसूल सल्ला वसलम को इस बार पढ़ने और सुनने की सहादत हासिल करते हैं सैदुना अलमुखबित सल्लाह वसलम हमारे सरदार रुजू फरमाने वाले दुरूद अलैहि वली वसल्लम पर आप वली वसल्लम के आले पाक पर और साहबा कराम रजवानल तौम अजम पर हजरत अब्दुल्ला इबन अबास ताला तौन बयान करते हैं हजूर नबी करीम वसलम अक्सर यह दुआ किया करते थे कि याल्ला मुझे बहुत ज्यादा शुक्र अदा करने वाला तेरा जिक्र करने वाला और सिर्फ तुझसे ही डरने वाला और सिर्फ तेरे ही अताद करने वाला और तेरे ही आगे झुकने वाला और तेरे ही सामने गिरिया उजारी करने वाला और तमाम अमूर में तेरी तरफ रुजू करने वाला बना दिया हमारे साथ आज आप जुड़े रहे हैं इंतहाई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम और बड़ा इंफॉर्मेटिव भी होगा कि मां के, मा के रहम में बच्चे की अफजाइश कैसे होती है आज इस पर बात करेंगे यानी इतना शाहकार नाजरीन आप देखिए निजाम तबारक तौला ने तरतीब दिया है कि वो अकल से मुकम्मल तौर पर मावरा है कि रहम मदर में इंसानी जिसम की तशकील का पूरा ड्यू प्रोसेस सूर्य मुमनिंग की इब्तदाई आयात में नाजरीन यानी मट्टी से लेकर पानी की एक बूंद और पानी की एक बूंद से लेकर इंसानी शक्ल में फिनिश्ड प्रोडक्ट तक यानी कदम कदम पर रब की रबूवियत और उसकी तख्ल की एक अजीम तरीन शाहकारी नजर आती है कि हर जगह हुसन नज़म है हसन तरतीब की आयनेदारी है कि हर काम और मरहले के लिए नाजरी मखसूस मुद्दत है और तरीक़ार मुतन है कि एक मरले के जुमला तकाजे खुद बखुद पूरे होते चले जा रहे हैं जो काम इंसान के जिसम नाज्रीन यानी जस्मानी पैकर के बाद लिए जाना है यानी जब वो वजूद पूरा बाकायदा तशकील पा जाएगा उसकी तमाम तर जरूरतें अल्लाह तबरक तारा रहम मादर में पूरी कर रहा है कि हर बरले पर न सिर्फ उन जरूरतों की किफालत हो रही है बल्कि बाहर तौर उनकी हिफाजत निगदाश के लिए भी तमाम तर इंतजाम साथ साथ हो रहे हैं कमाल बात यह नाजरीन कि किला रबुल्जत की शान ख़लाकियत का नजारा इससे बढ़कर और क्या होगा कि मुकम्मल इंसान के लिए मतलूबा तमाम सलाहियतों का जोहर एक नुतफे के अंदर अल्लाह तबारक पैदा कर दिया करता है फिर उसके खवास व आसार और अमामत को अपने अपने मुकर्रत पर पूरा करके जाहिर किया जाता है यानी किस तरह इंसानी वजूद नुतफे से बाकायदा खल के मरतबे पर जा पहुंचता है जब बच्चा नाजरीन रहम मादर में अपनी तशकीली और तकवीनी मरल में तीन पर्दों में तय करता है उसे जिसका, जिसका जिक्र नाजरीन सूर जुबर में मिलता है जिसे अल्लाह तबारक तौला ने बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान किया और उसे थ्री वेल्स ऑफ डार्क से भी ताबीर किया जाता है आज जाकर नाजरीन साइंस उन पर्दों की हकीकत को बाकायदा तलाश कर चुकी जिसकी रूह से इस अमर की तस्दीक होती है कि वाकई बतने मादर में बच्चे के ये इरत मरले तीन पर्दों में तकमील पजीर होते हैं और बारी ताला का निजाम रबूवियत किस शान से एक्टिव रहता है कि बच्चे की नुशनुमा बल्कि यूं कहिए कि उसकी नरिशमेंट और उसकी जितना भी यू कहिए कि उसकी तकमील के जो मरल है अल्लाह तबारक ऐसा लगता है कि कुदरत बाकायदा किया हुआ है कि उसको उस ड्यू प्रोसेस को पूरा चेक करती रहे और एक एक जरूरत को जो है उसकी पूरा करती रहे यानी पेश आने वाली जस्मानी सदमात और जरबात वगैरह के नाजीन असर से बिलुमूम उसकी हिफाजत भी की जाती है ताकि उसे किसी किस्म की चोट ना लगे अब जरा तवज्जो रखे खासतौर पर जो माए हैं वह मेरी बात को इसको बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगी यानी रहम मादर में उसके मुनासिब हाल की जो है वह जरूरत को पूरा करने के लिए यूं कह लीजिए कि अपना नकल हरकत के तहत जो है उसका बाकायदा इंतजाम किया जा जाता है और किसी किस्म की मूवमेंट में जो है वो कमी ना आए या डिस्टर्बेंस ना आए कुदरत इसका बाकायदा अहतमाम करती है तिब्बी जरूरियात के मुताबिक रहम मादर के अंदर बच्चे को मतलूबा हरारत यानी जो टेम्परेचर होता है वो भी मुहैया किया जाता है मां के खून में से नाज्रन जो मवाद बच्चे के लिए मुफीद होता है जरूरी होता है उससे खुद ब खुद मयसर आ जाता है और जो मवाद मुजर सेहत होता है नुकसानदेह होता है वो खुद ब खुद ज़ाया हो जाता है सोचने की बात यह नाजरीन कि एक खला के आलम एक कादर मुतलक की बाकायदा मनसूबा बंदी के बगैर नाजरीन ये बात मुमकिन ही ना थी यानी यह सोच लीजिए और समझ लीजिए इस बात को कि अल्लाह तबारक तारा ने अपनी शान का बाकायदा इजहार माँ के पेट के अंदर इस अंदाज से फरमाया है कि ये तरतीब अल्लाह ही की दी हुई है इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए मेरा ख्याल है जो बेसिक बात और तमाम देखने वाले सुनने वाले समझना चाहेंगे आ, क्या ही शान है मेरे रब की अल्लाह तबारक तआला तो ने जो कुरान पाक में कई एक मकामा पर इंसान का तारफ करवाया जिस इंसान को अपने ऊपर बड़ा नाज है उसे एक हकीर से पानी के कतरे से जो है उसका इंट्रोडक्शन करवाया आगाज़ की सुबह अल्लाह अल्लाह रब्ज़त ने कुरान करीम की किताब नाजिल फरमाई और ये किताब किताब हिदायत है और इसमें इस बात का अहतमाम किया गया कि इंसान को हिदायत की राह पर कैसे गामजन किया जाए कैसे उसे कायल किया जाए कि अल्लाह रबुजत वाक़ता खालक है मालिक है और रब है जिसकी इबादत की जानी चाहिए इसी किताब हिदायत के लिए जिस मैथडोलॉजी का इस्तेमाल अल्लाह रबुलजत ने मुख्तल मौक पर अंदाज में किया उसमें से एक मैथडोलॉजी ये थी कि उसे उस पर की गई नेमतों को याद करवाया जाए उस पर की गई जो इनायतें हैं फजल है उसको याद दिलाया जाए अल्लाह रबुल्जत ने शायद फरमाया वह इन तऊदू ने आमतू हमने तो तुम्हार इतनी नमतें नाजिल की हैं कि तुम उनका शुमार नहीं कर सके और फिर जब इंसान को बरह रास्त मुखातब करना था कि ए इंसान तुम क्या थे तो फरमाया अहसबुलानसान तुदा कि ये जो गुरू फख्र तकबर के अंदर घूमता फिरता इंसान है जिसे कहीं अपनी दौलत पर कहीं अपने इल्म पर कहीं अपनी खूबसूरती पर कहीं अपनी ताकत पर गुरूर है ये जान रखे कि वो इंसान ऐसा है जिसे हमने तखलीक किया है और हम उसे मोहम्मल नहीं छोड़ देंगे यानी उसके लिए हिदायत करेंगे वाह फिर फरमाया कि ये इंसान कौन है फरमाया कि हल अताल इंसान यही न मेरदार क्या इंसान ये वही नहीं जिस पर एक जमाना गुजरा है लम यकन शई अम मजकूरा कि वो तो कुछ था ही नहीं फिर फरमाया फरमायाल इंसान मा का बेरोब्बिकल करीम तुम्हें किसने फरेब और धोखे में मुबतला किया है और फिर जब ये क्लाइमेक्स लेकर आते हैं तो अल्लाह रबुलजत फरमाते हैं कि फल इंसानों में मखलक ए इंसान जो तू कभी इधर और उधर देखता है कभी फलसफे के दामनगीर होता है कभी साइंस का दामनगीर होता है कभी देमालाई कहानियों कहानियों का दा, यानी दामनगीर होते हो तुम जरा गौर करो फल इंसान उपस्त तुम्हें चाहिए कि तुम गौर करो रिफ्लेक्ट करो कंटेपलेट करोन खुलिक तुम किस चीज से पैदा किए गए, खुलिका इंदाफिक तुम्हें तो अल्लाह रबुलजत ने पैदा किया है मुतहरिक मादे से अल्ला। फिर अल्लाह रबुल्जत मजीद इसके प्रोसेस को अनवेल करते हैं और ये बताते हैं बा कि तुम्हारी पैदाइश और तुम्हारा दोबारा उठना मौत के बाद इल्ला का नफसे वाहिदा कि जब तुम्हें एक जान से पैदा किया गया था और उसी एक जान से तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा और ये नफसे वाहदा यानी एक नफसे जिसको आजकल हम यानी जिसे कहते हैं कि जदीद इस में कहते हैं फर्टिलाइज ओवम इन शह तरह मजीद आगे बात होगी फिर दूसरे मकाम पर अल्लाह रबुल्जत ने मजीद इसी इंसान की जो कजी है या जिसे आप ये कह सकते हैं कि इंसान की जो कमी है उसे इस अंदाज में बयान किया इलकन यानी मखलूक नुतफे से तुम्हें पैदा किया गया फिर फरमाया अलम या कु फरमायालम यानी फिर फरमाया कि क्या तुम्हें हमने ऐसे पैदा नहीं किया खुलका मिमा खुल यानी तुम्हें कर, कहीं बताया गया कि तुम्हें पर्मेटिक लिक्विड से पैदा किया गया कहीं तुम्हें बताया या कि मखलूक नुथे से पैदा किया गया मुख्तलिफ इस्तेलाहात अल्लाह रबुलजत ने इस्तेमाल करके उसको बताया कि तुम ये थे बल्कि कुछ ना थे फिर जब तुम हुए तो एक जा हुए फिर एक जा हुए तो तुम फिर महज एक गलीज खून के कतरा था और अच्छा गंदा पानी भी गंदा आ, गंदा पानी भी यानी अगर गौर कीजिए जुनेद भाई प्रोसेस और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो उसके मल्टीपल एलिमेंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन अगर उसका रूहानी अगर उसका रूहानी जिसे कहते हैं मकाम और उसकी रूहानी जो ऑन्टोलॉजी है वो बयान किया जाए तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो गलीज या यानी मिसाल के तौर पर छोटा आ, पानी है फिर फरमाया सुम्मा मिन सोला तमिन तीन फिर उसी हकीर पानी से उसकी नस्ल को आगे जारी रखा गया है, है, है। अब इन तमाम आयात पर अगर गौर किया जाए तो अल्लाह रबुलजत ने मुखातब फरमा इंसान को ये बताया कि इंसान तुम कुछ न थे तुम्हें अदम से वजूद में लाने वाली जात मेरी है मेरी तरफ लौटाओ, जिन बातों का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है तुमने उन बातों पर अमल करना है एक से छोटी दूसरी बात मैं यह करना चाहूंगा दो बातें नंबर एक ये सवाल कि इंसान की तखलीक क्या है इंसान की हकीकत क्या है फलसफा भी इस पर बहस करता है आ, साइंस भी इस पर बहस करती है कुरने करी मजहब इसके ऊपर बहस करता है अब अंदाज देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम एस्पेक्ट्स को एड्रेस किया लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब भी दिया इन तमाम सवालात का रूहानी एतबार से साइंस ने उन प्रोसेसेस को अनवेल किया बिल्कुल फलसफे ने उस जस्तुजू पर पानी छिड़का और यह बताया कि यह सवाल कितना इंसान के लिए है लिहाजा गालिबन हम ये कह सकते हैं बेहतर अंदाज में हम ये कह सकते हैं कि जब लोग रुजू करते हैं कुरान करीम की तरफ तो उनकी फलसफियाना जस्तू उनकी साइंटिफिकियासिटी और उनकी जो हदायत के लिए करार और इतमान होता है वो कुरानी करीम के साथ होने से क्या अच्छी तमीज है माशाल्लाह अब आइए ज़रा डॉक्टर साहब माँ के रहम में अगेन वही बात कि मैं इस वक्त अभी जो मैंने अबतदा में एक बात कही कि इस वक्त करोड़ों माएँ पूरी दुनिया में होंगी जो जाहिर हमल के इस प्रोसेस से गुजर रही होंगी और आप ये देखिए कि मेरे रब की रबूत उसकी ख़लाकियत उसका क्या शाहकार है ये, और क्या उसकी ताकत और कुदरत है एक ही वक्त पर तमाम माओ के अरहाम में जो है वह बच्चा प्रोसेस होता है और एक ही वक्त एक ही अंदाज़ से प्रोसेस होता है तो वो जो प्रोसेस है उसको ज़ाहिर है कुरान ने मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया लेकिन अगर हम स्टार्ट करने के लिए सूर ममनून से आगाज़ करें जिसमें मुख्तलिफ दर्जात और मराइल अल्लाह तबरक ताल ने बतलाएं, आगाज़ फ़रमाइए बसमान रहीम कुरान मजीद में अल्लाह तसान से मुतलक मुख्तलफ सवाल के जवाब दिए हैं इंसान क्या है इंसान किस चीज़ से पैदा किया गया इंसान की तखलीक कैसे हुई इंसान को क्यों तखलीक किया गया और इंसान का खालिक कौन है वाह सूरत और सूरतमिन जिसकी तरफ आपने इशारा किया है ये कि दो सूरतें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला ने आ, वैसे तो बहुत तफसील से इनके मराहिल को बयान किया लेकिन दीगर सूरतों में भी बार बार इसका तस्करा किया गया कि इंसान की तख्लीक कैसे हुई और एक बहुत अहम बात मैं यहां ये यह जिक्र करने लगा हूं कि जब तखलीक इंसानी का जिक्र किया जाता है तो फर्स्ट ह्यूमन बींग पहले इंसान की तखलीक किस तरह से हुई अल्लाह तबारक व तारा ने हजरत आदम सलाम की तखलीक के मराहल के जरिए से उसकी तफसीली वजाहत कुरान मजीद में फरमा दी है। वा। जिसका वाज मतलब यह है कि हम डारवनिज्म के नतीजे में वजूद में नहीं आए बल्कि हमारी जिंदगी की अल्लाह तबारक व तारा के कल में कुन से हुई और हमारी असलियत आदमीयत है हम आदम की नार्वनिजम की कोई गुंजाइश है नहीं दीन के बड़ी सिंपल बात अल्लाह रब करीमशाद फरमाते हैं या लोगो इन कुन तुम फी रई बिन बासी अगर तुम इस बात में नाउजुबिल्ला शक में मुबतला हो कि तुम हम कि हम तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाएंगे तो फरमाया फिन खलकनाक मिन थोरा बिन हमने तुम्हें मट्टी से पैदा किया मिन नुतफतिन फिर तुम्हें नुतफे से पैदा किया सु मिन अलाकतिन फिर हमने तुम्हें अलका अलका असल में खून के लोथड़े या टुकड़े को कहा जाता है चबाया हुआ जैसे चबाया हुआ या चिपका हुआ फिर फरमाया सुन मिन मुदगतिन मुखला गैर मुखल का तन अब यहां पर मुदगा अरबी में गोश्त के टुकड़े को कहा जाता है यह एक ऐसी चीज जिसको चबाया हुआ हो हाँ। तो उसकी शकल किस तरह से हो सकती हाँ। है और मुखल का और गैर मुखल का मुखल कहते हैं उस चीज को जिसका नक्शा बना हुआ हो ओके। और गैर मुखल का जिसका नक्शा ना बना हुआ ठीक हो है, ठीक है और फिर उसके बाद फरमाया कि लिनुबई ये ताकि हम तुम्हारे सामने तफसील से वजहत से बयान कर दें वह नफिल अरहाम मा नशा और जिस चीज को हम चाहते हैं उसको रहम के अंदर मुकर्र कर देते हैं फिर सूरतिन के अंदर रिशात फरमाया वलद खलक नल इंसाना मिन सोल मिनतीन फरमाया कि हमने मट्टी के जौहर और खुलासे से इंसान को पैदा किया सु जालना हो नुत फतनफी करार मकीन और फिर अल्लाह तारा ने यहां उन्हीं मराहल को बयान करने के साथ फरमाया कि फिर फलक नल मुदगा ता और फिर इस मुदगा गोश के टुकड़े को हम हड्डियाँ अता करते हैं फ कसौ एजाम लहमा और फिर हम हड्डियों को गोश्त चढ़ाते हैं यहां पर मैं खुलासा एक बात कहना चाहूंगा अगर आप कुरान मजीद की तमाम आयात का खुलासा करें कि अल्लाह ने इंसान किन किन चीज़ों से मिलकर बना ये तो तख्लीक के मरहल से अब बना किन चीजों से मिलकर है तो वो सुनिएगा सलसाल खुशक मट्टी हमा इम मसनून सना हुआ बुदार गारा आए, आए। नुतफा मिन तीन मट्टी का जहर नुतफिन अमशाद मिला जुला नुतफा मा इन दाफिक उछलता हुआ पानी अलक फरमाया खून का लोथड़ा तीन इन लाजिब चिपकने वाली मट्टी मा इम महीन हकीर पानी सलसाल इन कल फखार सूखी हुई बजने वाली मट्टी तोराब जिसको खुश्क मट्टी कहा जाता है अलमा पानी इसके अलावा अला ने फरमाया मुदगा मुखलका री मुखलका इजामन लहमन और फिर इस पूरे प्रोसेस के बाद फरमाया फत दरा वह तुम्हें मुकदर करता है तुम्हारी तकदीर बनाता है वह तुम्हें तस्वीर बराबर करता है वाह अलग तुम्हारे तमाम तर आजा अल्लाह अल्लाह अदल पैदा करते हुए उनको बराबर बराबर बनाता है और फिर फरमाया रख कबक और फिर तुम्हारी तरकीब करता है और बड़ी खूबसूरत आए थे फरमाया मिन शई इन खला इंसान को चाहिए कि गौर करे हमने किस चीज से बनाए मिन नुफत इन कहू फिर फरमाया जब बच्चा मां के पेट में होता है तो वो मुसवर फिर उसकी तस्वीर बनाता है और फिर अल्लाह रब करीम ने कुरान मजीद में बहुत से मकाम पर बहुत तफसील बयान किए मिन हम मिन हम इम मसनून फरमाया मन नुतफा मिन सोलाल मिन तीन फिर फरमाया मिन सलसाल कल्फ खार मिनुफिन अमशाज मिनतीन इन लाजिब मिम् इम महीन मिम्मा इन दाफिकन और फिर अल्लाह फरमाता है कि इन्नी खालकम बशरम मिनतीन और मिन नुफिन तुमना ये तमाम तर अगर हम आयात मुबारक को हम गौर से देखें तो मालूम यह होता है मैं यहाँ पर प्रोफेसर कीफमोर का एक जुमला बयान करना चाहता हूं आ, इनकी किताबें ह्यूमन डेवलपमेंट पर एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं उन्होंने जब इन तमाम तर आयात मुकदसा को सुना तो उन्होंने कहा कि चौदह तेरह सौ साल कबल ये तमाम तर आयात जब ये तमाम इंसानी मराहल को बयान कर रही हैं उससे पहले उस वक्त ना ये अल्ट्रासाउंड बने थे है। ना तमाम के तमाम ये साइंसी आलात बने थे जी जी। लेकिन ये आयात हजूर सलात वाम का बयान करना इस बात की दलील है कि मोहम्मद रसूल सल्लासलम्लाह के रसूल हैं और इमाम राजी फरमाते हैं कि लोगों इस बात पर गौर करो जब अल्लाह ने पहली वही नाजिल फरमाई तो अपने वजूद की पहली दलील ये दी है कि अल्लादी खलक अल इंसान मिन अलक कि मैं तुम्हारा खालिक हूं और तो तुम्हारी तखलीक के मरहल ये हैं तो इंसान जब अपनी जात पर गौर और फिक्र करेगा तो नतीजा क्या है मन आर फकद आरा फरबाह तो अपनी तखलीक पर गौर और फिक्र खालिक तक पहुंचाएगा सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत गुफ्तगू डॉक्टर साहब बल्कि देखिए ना वो जोक से भी तो तशबीह दी ना इंसान को यानी जिस वक्त उसको तखलीक के मरल से गुजर रहा होता है तो ये जोक का काम क्या होता है बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक ताली ने क्या तशवी दी है कि इस तरह से जो है अपना रिश्क हासिल कर रहा होता है साहब तो आइए जो एक बड़ी अहम तरीन बात है और ज़ाहिर मैं तो बड़ा फर्म बिलीवर हूँ इस बात का कि आज ये जो कुछ भी आ, साइंस अनवील कर रही है बुनियादी तौर पर ये साइंस अनवील नहीं कर रही है एक्चुअली ये रब की रबूब और उसकी खलाकियत और उसकी शान किबरियाई जो है बुनियादी तौर पर उसके आगे हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई है और उसको जो है वो डिस्कवर कर रही है तो कुरान पाक माँ के रहम में इंसानी तखलीक को जिस तरतीब से बयान करता है अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि एम्ब्रियोलॉजी में साइंस क्या इस बात को उसी अंदाज से देखती है या अंदाज से देखती है या हाथ जोड़े खड़ी हुई बताइए जरा इसमें हाथ जोड़े खड़ी है बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ऐसी बात है क्योंकि जब मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अनैटमी में एम्ब्रियोलॉजी का एक सेक्शन है जो पढ़ाते हैं कि एम्ब्रियो किस तरह बनता है और फिर जब डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप देखते हैं कि क्या क्या क्या, क्या मरल हैं और किस मरहले पे क्या मसला हो सकता है तो अब आप अगर सीमन फ्लूड एनालिसिस का की बात करें सीमन की तो माइक्रोस्कोप में अगर आप देखें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं और उसमें से एक स्पर्म एक ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है और फिर जो है एम्ब्रियो बनता है मैं अगर थोड़ा सा पर्दे में रख के अगर बात करूं मैं जाहिर है चूंकि तमाम ही लोग देख रहे होते हैं कि जब मर्द और औरत का एक जवाजी ताल्लुक कायम होता है तो वो करोड़ों की तादाद में स्पर्म जो है मुंतकिल होते हैं जी उसमें सब... से सिलेक्शन सिर्फ एक स्पर्म की एक स्पर्म की अल्लाह अकबर और एक ओबम जो है वो फर्टिलाइज होता है और वो भी एक खास जगह पे और फिर वो यूट्रस के अंदर आके उसकी डेवलपमेंट होती है अल्लाह अकबर सो ये जर्मनल फेज होता है जर्मनल स्टेज होती है कि जो कि पहले दो हफ्तों में होती है और फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्री टू एट वीक्स एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है जैसे कि आपने बताया था शुरू में अब ये जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है इसमें ब्रेन डेवलपमेंट भी होती है मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन ये और फोर ब्रेन ये डेवलपमेंट होती है और फिर नवें हफ्ते से ये जो एम्ब्रियो का फेज है इसके भी मुख्तलि स्टेजेस हैं जो कि हम बाद में बात कर अच्छा यहाँ कथा कलाम की मदद एक फेज हम मिस कर गए उसको भी जरा आप रिकॉल करवाइए कि जैसे अल्लाह तबारक तौला एक सौ बीस दिनों में बाकायदा रूप हो देता है जिस्ट्री के अंदर तो ये जो साइंस भी इस बात को कहती है कि सौ बीस दिनों में वो आ जाती है बिल्कुल अब आगे जो है हम वैसे ट्राइमेस्टर वाइज भी इसको डिवाइड करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड और थर्ड जो कि बारह बारह हफ्ते पे मुहित होता है सो इनिशियली जो 12 हफ्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर जो है वो जर्मिनल फेज होता है फिर एम का फेज होता है एक सौ बीस दिन और फिर थर्ड फेज जो होता है वो फीटस की डेवलपमेंट होती है अब जो मेडिकल साइंस है अल्ट्रासाउंड आए हैं फीटोमेटर्नल डेवलपमेंट डिव, हुई है गाइनोकॉलॉजी ऑफ की डिपार्टमेंट में सो ये पुरानी जो कुरान पाक ने बात बताई है वो उसी पे अमल करते हुए वही बातें साबित हो रही हैं जो कि कुरान पाक ने बताई आइए जरा डॉक्टर साहब जरा ये बताइए ये बड़ी एक अहम तरीन बात है और इस, इस, इस मौजू पर इस तरह से बात ज़रा करना मुश्किल लोगों के लिए होता है लेकिन अल्लाह करे कि लोगों को हिदायत मिली जो खासतौर पर आजकल लोग एतिजम की तरफ जा रहे हैं मतलब ये बड़ा एक अहम मौजू है ये जो तीन पर्दों का जिक्र अल्लाह तबारक ताल ने फरमाया है इमरीओ में इस पर जरा बात कीजिए जरा एक तो दूसरा ये कि आ, क्या कुदरत है साहब ये बच्चे की हिफाजत भी हो रही है वहाँ के पेट में उसकी खुराक का इंतजाम भी हो रहा है यानी एक कुदरत का कैसा आसीन शाहकार है बतलाइए सुबहानल्ला यानी अल्लाह रबुज़त की शान पर और अल्लाह रबुजत की बिलखसूस इस इंसानी शाहकार की पैदाइश के मुख्तलिफ़ मरल पर गौर करें तो यकी इंसान को इस बात का एहसास होता है कि वह एक कमज़ोर है और अल्लाह रबुजत के ये फ़रमाना कि लम यकुन शय मजकूरा तो इंसान इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ के होते हुए भी यही महसूस करता है कि वाकयाता इंसान अगर है तो वह है ऐसे ही जिसका कोई नाम लेना भी कोई मुनासिब बात नहीं है अल्लाह रबुजत के सामने तो अल्लाह रबुजत ने इंसानी तख्लीक के जितने भी मराहिल बयान किए उसमें जो हयातियाती तश्कील है उसे भी ये बयान किया कि इसे अल्लाह रबुजत ने मुकम्मल किया है माँ के पेट के अंदर अब जो गौरतलब बात है वो ये है कि न सिर्फ ये कि माँ के पेट के अंदर इसकी बायोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है लेकिन इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी हो रही है और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्र उस बच्चे की क्या होगी इस बात का भी फैसला यही होता वाँ, है। वाँ। उस बार उस बच्चे का रिस्क क्या है वो शकी है या सईद है अलगर ये कि ये वो पहलू हैं इंसान की तखलीक के जो साइंस ये कहती है कि हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है आई, आई, लेकिन आई। उसके बावजूद भी आप देखिए कि इंसान के लिए ये बहुत ही दिलचस्पी के और जस्तुजू जस्तजू से भरे हुए एरियाज हैं इनके ऊपर गौर करना चाहिए अल्लाह इज़्ज़त ने सुरह जुमर में फरमाया, यखलुकुकुम फी बतूर उम क्या इंसान जो तुम इधर उधर घूम रहे हो इल्म और दौलत के नाज के ऊपर ये जान रखो कि तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में हमने पैदा किया है और मुख्तलिफ मराहिल से गुजारे मिन कम्बादी खलकिन और तुम्हें तखलीक के एक मरहले से दूसरे मरहले में मुंतकिल करने वाली जात कौन सी है हम हैं साइंस प्रोसेस को अनवेल करेगी लेकिन उसके पीछे जो फर्स्ट कॉज है वाई एट ऑल उसके पीछे अल्लाह रब्बुल रबुलजत की जत गिरामी है सुबह फरमाया ये जो पर पूरा मरहला है फी मात इन सलास ये तीन तारीकी तारीकियों के जिसे आप ये कह सकते हैं कि लेयर्स के अंदर होता उसके अंदर, है। अंदर। अब ये जो तीन तारीकियों की लेयर्स हैं इनके हवाले से मुख्तल तरह की गुफ्तु होती है लेकिन तीन तारीखियों को आसान अंदाज में अगर समझना है तो पहली है पेट की इनिट सेल्फ तारीखी ठीक है दूसरी है यूट्रस की इनिट सेल्फ तारीखी और तीसरी है उन झिल्लियों की इनिट सेल्फ तारीकी और इसको आप आज के अंदाज में अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा द मिस्ट्रीज ऑफ थ्री लेयर्स यानी मिसाल आ, के तौर पर उन झिल्लियों के अंदर क्या है अल्लाह और उन झिल्लियों के अंदर तहरीक कौन करता है उन झिल्लियों के अंदर किस बंदे का किस जात का कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ यानी यान, उड़ा यान, यान, साइंस ने साढ़े चौदह सौ बरस बाद इस बात को तो अनवील किया कि तीन पर्दे है लेकिन इस बात को अनवील नहीं करवाई कि इसके पीछे कौन है ये है कमाल की बात फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रब फरमाया ये है अल्लाह रबुल्जत की जातुल मुल्क जिसकी ही, ही खुद कर खुदी <स्थाँगा> ला इलाू इबादत के लायक सिर्फ वही जात है फान ना तो सुरफून इंसान तुम कहां भटके चले जा रहे हो अब मैं एक चीज की तरफ आपकी तजुज्जो चाहूंगा वो ये है ये तो अल्लाह रब्बुल रबुजत ने बता दिया चौदह सौ साल कबल पंद्रह सौ साल आइए जरा इस भटके हुए इंसान का जिसके अल्लाह रब्बुल रबुज पर मागर रखा तुझे किसने यानी जिसे कहते हैं कि धोखे में मुबतला किया है इसका सफर सुनाता हूं चौदहवीं सदी ईसवी कबल मसी अरस्तू चार चार। का यह ख्याल था यह उसका गुमान था कि तखलीक में मैंस्ट्रल ब्लड इस्तेमाल होता है ओके okay. फिर गैलन आया उसमें कुछ तब्दीलियां थी लेकिन थेरी वही सेम रही और फिर तकरीबन सोलह सौ सो बत्तीस सोलह सौ सो तिहत्तर के अंदर एंटनी फान लीवन वॉक आया जिसने वन लेंस की एक माइक्रोस्कोप इजाद की अच्छा ये बादज मसी बात कर रहे हैं आप ये मसी ते, सोलह सौ तिहत्तर के यानी इसका मतलब ये हुआ कि अरस्तू की सिंगल हैंडेडली अथॉरिटी नॉलेज जिसको लोगों ने एक नॉलेज किया इंसानों ने एक नॉलेज किया वो क्या थी वो ये थी कि मैंस्ट्रल ब्लड है और उसमें फर्दर चेंजेस यह तीन हजार साल की पूरी जर्नी हुई अगर आप देखें लेके हाँ से से ले से ले ले माइक्रोस्कोप मा, 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 की मतलब अच्छा उसके बाद अगर आप देखें जब ये ईजाद हो गई तो अब आपके पास इन एक इंस्ट्रूमेंट आया जिससे आपने कुछ चीज देख सकते हैं फिर आता है मेल्फिगी जो कि मॉडर्न फादर है एम्ब्रायोलॉजी का 1672 में मुख्तलि मराहल के अंदर उसने ये बात तय की कि नेसेसरी कॉम्पोनेंट्स हैं स्पर्म और ओवो ये आया 1672। अब मैं इंसान की तारीख ही बताना चाहता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम पर कुरान करीम रिवील हुआ स्टार्ट हुआ सिक्स टेन में 610 में मुकम्मल हुआ 632 के अंदर 632 से लेकर सोलह को जब आप काउंट करते हैं हाँ। तकरीबन 1200 साल का अरसा होता है हाँ। और अभी भी मुकम्मल रिविले, रिविलेशन नहीं ना, 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 ना। अच्छा फिर हुई सत्रह सौ पचहत्तर के अंदर स्पेलो जैनी जे, नाम का एक शख्स था जिसने यह बताया कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ्रॉइंग्स की मदद से मुख्तलिफ मुख्तलिफ्रॉइंग्स की मदद से चिक्स और एक्स के हवाले से बताया फिर तीन मुख्तलिफ मराहल गुजरे जुनेद भाई और उन्नीस सौ चालीस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ईजाद के बाद अब इंसान झांकने की कोशिश कर रही है कि वो तीन लेयर्स हैं रफली स्पीकिंग रफली स्पीकिंग 1300 साल बाद साइंस जिन दावों पर खड़ी हुई है हाँ। तेरह सौ साल पहले इंसान इंसान के बारे ने में अल्लाह रब्बुल इज्जत रबुलजत यानी यूं कहिए कि तेरह सौ वर्ष के, के बाद साइंस अभी झांकने जाक, की पोजीशन में आई है खिड़की खोली नहीं है और मुकम्मल नहीं चुनेद हाँ। नहीं मुकम्मल नहीं सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस सिर्फ इस चीज का जवाब व्हाट इज द प्रोसेस लेकिन व्हाई समथिंग हैपनिंग दिस वे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका राज अपनी जात के साथ जोड़ा हुआ है फिर आपने फरमाया कि यानी ये सवाल था कि क्या है वो आ, जिसे कहते हैं प्रोसेस जिसके अंदर गजा का यानी इंतजाम करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खून मां के खून ही से वो जो फिल्टर लगाया आप देखिए देट इज दैट इज समथिंग न्यू मतलब कि ब्लड के अंदर फिल्टर रियली अमेजिंग हां मतलब ब्लड के अंदर ये फिल्टर लगना कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड वो फिल्टर जो है वो ब्लड जो है सर्कुलेट होता है बच्चे के अंदर कि क्या चीज उसके लिए मुफीद है और क्या वेस्ट हैं वो बाहर निकल जाते फिल्ट्रेशन प्लांट मां के रहम के अंदर, अंदर, अंदर लगा क्या कमाल है क्या कमाल फिर फरमाया कि जैसे गजा का इंतजाम वो वहां पर हो रहा है हिफाजत ये शॉक ऑब्जर्वर जिसे कहते हैं कि एक जगह है जहां पर बच्चे की पैदाइश हो रही है तीसरी बात नकलो हरकत आप ये देखिए कि दो महीने तीन महीने में बेड सोर्स हो जाते हैं जनाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी के अंदर नकलोह हरकत का इतना खूबसूरत इंतजाम किया हुआ है कि बच्चा जानता फिर टेम्परेचर कंट्रोल हाँ। सर्दी है गर्मी है, है। मौसम के अंदर हाँ। तब्दीली है बच्चे को नाम अल्लाह इज्जत की जितनी शां बया की जाए और इंसान बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचता है और मैं तो ये कहता हूँ इंसान किस बात कामाल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप तीनों अब आपका आप तशरीफ तो लाए और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तू नाजीन रही औलाद नरीना के हसूल का वजीफा आपको बतलाते जो शख्स औलाद नरीना का खाशमंद हो तो नमाज तहजुद के बाद एक सौ ग्यारह मरतबा सूरत साफ की आयत नंबर सौ रब हबली मिन साल के पढ़ने का मामूल बना ले इन बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रमत का कौल मुबारक है कि वालदान बच्चे को जन्म देते हैं जबकि उस्ताद उसे इल्म फजल के ख़जाने से मालामाल करता है और फरमाया जो इल्म को दुनिया कमाने के लिए हासिल करता है इल्म उसके कल्ब में जगा नहीं पाता